बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बेहद खास और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कनाडा से। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ हैं। कनाडा में उन स्टूडेंट्स को, उन डिपेंडेंट्स को, उन स्पाउस को रिफ्यूज़ल मिल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से रिफ्यूज़ल मिल रहे हैं जिनके स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में किसी प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और जिन प्राइवेट कॉलेजेस में वर्क परमिट स्टूडेंट्स को नहीं है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, वहाँ पर उनके स्पाउस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। तो अगर आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में हैं यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है, तो बड़ा सोच समझ के आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इस पर रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी आपका बेहद स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी अभी कई स्टूडेंट्स का पता लगा है कि उनको रिफ्यूज़ल आई है, उनके स्पाउस को रिफ्यूज़ल आई है। अगर आप इसको एलैबोरेट कर सकें तो मुझे लगता है कन्फ्यूज़न बड़ी स्टूडेंट्स की दूर होगी। सो स्टूडेंट्स एज यू नो कि लैंडमार्क इमिग्रेशन प्राइवेट कॉलेजेस में बिल्कुल भी डील नहीं करता है। हम वहीं डील करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी है तो वो प्राइवेट है बट अगर उसकी ग्रेट रेपुटेशन है, और अगर कोई कॉलेज है अगर वो प्राइवेट है तो वो बैचलर डिग्री इम्पार्ट कर रहा है तभी बच्चे को 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो स्टूडेंट, सो देर इज़ अ केस विच हैज़ कम टू अस दैट स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल आई है कि क्योंकि उसका जो स्पाउस है वो एक प्राइवेट कॉलेज में इनरोल्ड है। सो अगर आपका स्पाउस प्राइवेट कॉलेज में इनरोल होगा तो आपको स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा यानी कि ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ सब बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम पैकेज सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में ही जाते हैं एंड उनको ये चीज़ नहीं पता होती। सो हम उसमें अप्लाई कर लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं एंड वीज़ा लगने के बाद जो आपका पर्पज़ है, जो रियल पर्पज़ है कि फैमिली ज्वाइन हो, तो वो उनकी जेन्युइन मैरिज है, 4 साल तक मैरिज थी बट नाउ दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम कि बच्चा जो लड़की है वो एक प्राइवेट कॉलेज में गई और अब स्पाउस कैन नॉट जॉइन हर। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई थिंक कि पहले से भी पता होगा क्या कहते हैं काफ़ी लोगों को, बट आई फील कि अभी जैसे लोग बहुत अनजाने ना अनजाने, मतलब पता ही नहीं होता उनको कि कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। जब वो अप्लाई कर लेते हैं तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती और उनके स्पाउस उनको कैनेडा में वहाँ ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। सो जब भी हमने अप्लाई करना है हम कोशिश करें कि उस DLI में अप्लाई करें, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। जैसे लसाल कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है बट आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अलेक्जेंडर कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है बट वो BC CAT में अप्रूव्ड है, तो पोस्ट ग्रेजुएट 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। एक्सेंडा कॉलेज बैचलर्स दे रहा है आपको क्या कहते हैं 3 साल की, तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है लास्ट ईयर जिसको मैक्सिमम वीज़ाज मिले हैं। प्राइवेट है, यूनिवर्सिटी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि जिस कॉलेज में हम अप्लाई कर रहे हैं हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सपोज़ आप किसी ऐसे कॉलेज में जा गए हैं कि जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं है, तो वहाँ पे आप 1 साल पढ़ाई करके उसके बाद किसी पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और तब अपने स्पाउस को आप वहाँ पे बुला सकते हैं। सो मैंने उसका सल्यूशन भी आपको बता दिया कि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई 1 साल कर लें, 1 सेमेस्टर कर लें, उसके बाद एक पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप अपने स्पाउस को वहाँ इनवाइट ज़रूर कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है जसमीत जी। जैसे आम तौर पे माना जाता है कि कनाडा में स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं वहाँ से कॉलेज चेंज कर लेते हैं, अगर प्राइवेट से पब्लिक में जाते हैं क्या उसका कोई इतराज़ नहीं है कनाडा की इमिग्रेशन को? सिर्फ उसके भी रूल्स हैं, काफ़ी रूल्स होते हैं कि हमको चेंज ऑफ DLI भरना होता है एंड वी हैव टू इन्फॉर्म इमिग्रेशन, एंड स्टूडेंट्स जो नॉर्मली प्राइवेट में जाते हैं वो सारे चेंज करते ही करते हैं, सो दे चेंज देयर प्रोग्राम। बट यू शुड व्हेन यू अप्लाई, आप वैसे भी प्राइवेट कॉलेज में जाके आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो स्टूडेंट्स कल को आप अगर कॉलेज चेंज करते हैं यू हैव अ चांस टू गेट द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। वैसे भी आप अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट
नहीं मिलना है। सो स्टूडेंट्स देखो, कॉलेज चेंज करना एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं सारे ही स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि अपना कॉलेज हमें नहीं चेंज करना चाहिए जो पब्लिक कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में लाखों बच्चे कनाडा पहुंच रहे हैं, लाखों। एंड कल को जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बारी आएगी 2 साल बाद 3 साल बाद, तो बैकग्राउंड चेक्स होंगे, और जब बैकग्राउंड चेक्स होंगे और जब इतना रश होगा तो कुछ भी हो सकता है। सो डू नॉट प्ले विद योर फ्यूचर, फॉलो द रूल्स एंड फॉलो द वीज़ा विच हैव बीन गिवन टू यू। बिल्कुल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। कोई कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी चाहिए, 9041339042 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, info@landmarkimmigration.com आप ईमेल कर सकते हैं। हर रोज़ 4:30 बजे लाइव शो लैंडमार्क इमिग्रेशन का, आप उसका हिस्सा बने और जसमीत जी से और इनकी टीम से कोई भी सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।